गुड मॉर्निंग एवरी वन. माई सब्जेक्ट इंग्लिश. टूडे माई टॉपिक अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट में हमारा टॉपिक रहेगा सी द पिक्चर्स एंड सी द पिक्चर एंड राइट नेम. ओके, हम इन पिक्चर्स में राइट नेम लिखेंगे. आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि हमने उनमें भी पिक्चर्स ली थी ए टू डी. तो हमने ए टू डी की पिक्चर्स भी, पहले तो हमने ए टू डी की प्रैक्टिस की, उसके बाद हमने ए टू डी की पिक्चर्स कैसे, जैसे ये देखो, पहले हमने कैपिटल लेटर में ए टू डी, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. फिर उसके बाद हमने बच्चों को डॉट डॉट दे दिए थे. इसी प्रकार फिर हमने इनकी पिक्चर्स बनाई थी. पिक्चर्स हमने किस प्रकार की थी ये देखो, इसी प्रकार ए फॉर एप्पल की पिक्चर्स बनाई. और फिर हमने ये पिक्चर्स बनाने के बाद भी हमने प्रैक्टिस की थी और उनमें पिक्चर्स का राइट नेम लिखा था. उसी प्रकार हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी हमारी इसी प्रकार रहेगी. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी पिक्चर सी द पिक्चर एंड राइट नेम. इनमें भी हम पिक्चर्स का नाम लिखेंगे और उनका राइट नेम यहाँ पे डालेंगे. तो हमारी सेकंड वीडियो में हमारा ई टू एच कंप्लीट हो गया था. ई में हमने इस प्रकार हमने डॉट लगा के दिए थे. कैपिटल लेटर में हमारा ए टू एच तक हो चुका है. और अब हमारा इसमें हम पिक्चर्स लेंगे. अब बारी है ई टू एच की. ओके, तो आज की वीडियो हमारी सी द पिक्चर एंड द राइट नेम. ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, क्या है ये? हैंड. क्या है ये? हैंड. तो हम लिखेंगे एच फॉर हैंड. ई फॉर एलिफेंट. ये क्या है? एलिफेंट. एलिफेंट है तो बच्चों से बोलेंगे कि आपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था ना कि ई फॉर एलिफेंट कैसे लिखते हैं. ई फॉर एलिफेंट. एफ फॉर फिश. ये क्या है? फिश. फिश. एफ फॉर फिश. ये क्या है? ग्रेप्स. क्या है ये? ग्रेप्स. जी फॉर ग्रेप्स. अब हम इनको सीरियल वाइज लिखेंगे कि पहले क्या आएगा, उसके नेक्स्ट क्या आएगा. ओके, अब देखो, ई फॉर एलिफेंट. लाइनों का ध्यान रखें, लाइनों के ऊपर लाइन टू लाइन लिखे, बच्चों को बताएं. ई फॉर एलिफेंट. एफ फॉर फिश. जी फॉर ग्रेप्स. एच फॉर हैन. ई फॉर एलिफेंट. एफ फॉर फिश. जी फॉर ग्रेप्स. एच फॉर हैन. उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पे डॉट लगा के देंगे ताकि बच्चे दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे और उनको अच्छे से लर्न होगा. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पिक्चर्स के बारे में ज़रूर पूछें और बच्चों से पिक्चर्स राइट नेम लिखवाएं. और नीचे जो डॉट टू डॉट हैं, इन डॉट को डॉट के ऊपर ही बच्चों से कराएं, डॉट से बाहर अक्सर न जाने दें. थैंक यू.